गुड इवनिंग बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? घर में सब बढ़िया चल रहा है? सब लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है। कल बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया था, बच्चों ने बहुत होमवर्क भेजे थे, लेकिन फिर भी एक दो बच्चे रह जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग अपना होमवर्क करके भेजें और वीडियो को सब लोग अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा क्या है पता है ना, डिफरेंट चीज़ है। तुम लोग ऑलरेडी क्लास फिफ्थ में डी मास रूल के बारे में पढ़ चुके हो, इस बार हम लोग बॉड मास पढ़ेंगे, BODMAS। ठीक है, चलो देखते प्रभु का नाम गणपति बप्पा मौर्य, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने क्या बोला आज तुमको? आज मैं बॉड मास के बारे में पढ़ाऊंगा, BODMAS। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तुम लोग ये चारों जानते हो, लेकिन ब्रैकेट और ऑफ, ये दो नया चीजें कुछ ऐड होगा। ऑफ का जरूरत अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा जब हम मैथ्स को आगे 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 करते जाएंगे आपके बुक के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, डी का मतलब होता है डिविजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब चीजें हैं तुम लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है आगे, इसीलिए सब लोग अपने कान के पर्दे खुले रखें और जैसे पढ़ाया जा रहा हो हर एक पूरा का पूरा ध्यान से सुने। ठीक है, ईयरफोन्स लगा के आराम से घर पे बैठ के सुनो, यूज ईयरफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस, थोड़ा साउंड क्वालिटी अच्छा रहता है। यूट्यूब में जब तुम लोग वीडियो देख रहे होते हो तो यूट्यूब में जो साउंड का क्वालिटी होता है इट डिपेंड्स अपॉन योर ईयरफोन्स, तो आराम से बैठ के देखो। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है ये भी हमारा तीन टाइप का है। एक आता है ऐसा वाला जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, एक आता है थोड़ा कर्लेस जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, थर्ड वाला आता है ऐसे स्क्वायर टाइप का जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोल के बोलते हैं, ऐसे लाइन टाइप का। तो ऐसे तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। तो तुम लोग को याद है ना, जब तुम लोग डी मास रूल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे फिफ्थ क्लास में, तुम लोग को तुम्हारे टीचर ने ये जरूर सलाह दी होगी, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि सबसे पहले तुमको डिविजन करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन होगा तो पहले डिविजन करो फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर करो एडिशन, लास्ट में करो सब्ट्रैक्शन। लेकिन अभी थोड़ा रूल चेंज है। क्या चेंज है ना, पहले तुमको अगर ब्रैकेट दिखे तो पहले ब्रैकेट में जो चीज है उसको सॉल्व करो। ठीक है ना, तुम लोग करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तुम लोग क्लियर होते होते जाओगे। पहला चीज है जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को तुम लोगों को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तीन ब्रैकेट क्यों है? ना बेटा, कभी कभार तुमको ये तीनों ब्रैकेट दिया होगा क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व करेंगे तुम लोग देखोगे। तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आएगा तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आएगा तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट। एक लाइन के फॉर्म में, मतलब पहले जो राउंड ब्रैकेट में होगा उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपना कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे तुम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन इजीली अपने आप घर में बैठ कर भी कर सकते हो। तो वो जो इजीली घर में बैठ कर करना होता है वो चीज तो तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा, है या ना? सिखाने के बाद ही तो तुम लोग कर पाओगे, तो इसी के लिए मैं आज आया हुआ हूँ तुम लोगों को वो चीज सिखाने के लिए। तो ध्यान से देखना बेटा, कोई भी क्लास के टाइम में उठना मत, आराम से पूरा का पूरा वीडियो समझ समझ के आराम से लिख देना। तो उसके बाद अगर ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, तुम लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीज सॉल्व करोगे। जब हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ये ब्रैकेट के बारे में, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक 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 क्लियर होते हुए जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका,
ये सब वर्कशीट 9 के क्वेश्चन से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ठीक है मैडम, ध्यान से देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो बोर्ड क्लियरली विजिबल है। हाँ जी ठीक है, 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। तो मैंने अभी अभी तुमको जब क्लास स्टार्ट कर रहा था क्वेश्चन लिख रहा था तभी मैंने बोला था सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो हमारा ब्रैकेट के अंदर में कौन सा चीज है, पहला सबसे चीज है ब्रैकेट, ब्रैकेट को देखना, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 माइनस 3 है ना, या ना? तो 5 माइनस 3 है तो इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं, 25 को 25 लिख दिया प्लस 14 को लिख दिया 14 डिवाइडेड बाय, पहले इसको अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 माइनस 3 उसका वैल्यू कितना आता है बेटा, 2 आता है ना, तो इधर मैंने लिख दिया 2 बोल के। समझ रहे हो सब लोग, सब लोग समझ रहे हो, इजीली देखो पहले ब्रैकेट के अंदर जो था 5 माइनस 3 मैंने उसको लिख दिया 2, ओके 5 माइनस 3 को मैंने लिख दिया 2। उसके बाद 25 को 25 लिखा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, डी मास तुम लोगों को याद है ना, डी मास में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी चीजें डिवाइड होता है पहले उसको सॉल्व किया जाता है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 7 आएगा ना, 14 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो खत्म। उसके बाद देखो 25 प्लस 7 कितना आंसर आ रहा है, 32 आ रहा है। तो ऐसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो सब लोग इसको लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो, चलो जल्दी जल्दी सब लोग लिखो इसको। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे, अगर 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर दिया आज तो बड़ा मौज है तुम लोगों की, कोई भी किसी को भी डाउट नहीं रहेगा। और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तुम लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, सारा का सारा चीज तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलो जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है बेटा लिख लिए, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूं, जो जो नहीं लिखे थे वो स्क्रीन को थोड़ा पॉज करके लिख ले, आई एम सॉरी फॉर द डिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी टाइप का है, देखो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 3 माइनस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करना है, तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी 2-3 नंबर है, तो बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए बोले, लेकिन इधर ही 2-3 नंबर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना बेटा। पहली बात यह है कि पहले डिवाइड को करो, सिंपल चीज, पहले डिवाइड को करो। तो चलो 3 माइनस, देखो मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है, 5 को 5 लिख रहा हूँ, माइनस को माइनस दे दो, 6 डिवाइडेड बाय 3 पहला काम होता है इसको सॉल्व करना, 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, तो फिर से मैं ब्रैकेट दे रहा हूं, क्यों बोलो तो, क्योंकि मेरा अभी तक वो पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 3 माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर है, 5 माइनस 2 है ना, 5 माइनस 2 का वैल्यू कितना आता है, तुम लोग बोलोगे सर 3 आता है, देखो 3 मैंने लिख दिया, तो 3 माइनस 3 का वैल्यू हो गया 0। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक देख रहे हो ना, इधर मैंने 5 माइनस 2 जब लिखा हुआ था ब्रैकेट दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आया 3, उसके बाद मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का पार्ट जितने भी उसके अंदर नंबर थे सब कुछ नंबर को हमने सॉल्व कर दिया, इसीलिए दोबारा तुमको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके खत्म, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो जो लोग नहीं किए हो वो काइंडली वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो
पॉज करके आराम से देख देख के करते, लेकिन जो होमवर्क करते हो वो बिना देख के करना ही एक्चुअल में पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हो ना, अभी आया ना, दो दो ब्रैकेट आया होगा ना। देखो, तब मैं कुछ यही बोलना चाह रहा था तुम लोगों को कि जब दो दो ब्रैकेट आता है, सबसे पहले हमको वो जो राउंड ब्रैकेट है उसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट कौन सा है ना तुम लोगों को, सर इधर तक है 3 × 10 / 2, यह है हमारा पहला राउंड ब्रैकेट, तो पहले इसको सॉल्व करो। देखो 36 को मैंने लिख दिया 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूं क्योंकि मेरा स्क्वायर ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। 12 को लिख दिया 12 प्लस 3 इंटू, देखो मैंने बोला ना सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो पहले 10 को 2 के साथ डिवाइड करो। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बेटा, ना आता है 5, आया ना, तो मैंने 3 इंटू, देखो इधर भी 3 इंटू लिख दिया है, बस 10 डिवाइडेड 2 का वैल्यू जो है मैंने 5 लिखा, उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर देखो 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 5, उसका वैल्यू कितना होगा बेटा तुम लोगों के साथ, 15 होगा। अगर 15 होगा तो मुझे अभी और राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलो तो, क्योंकि मैंने इन दोनों का वैल्यू तो मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे और राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 36 माइनस, अभी इन दोनों को ऐड कर दो तो स्क्वायर ब्रैकेट का भी काम तमाम हो जाएगा, 15 प्लस 12 आएगा 27, तो फाइनल आंसर आ रहा है 36 माइनस 27 9। देखा बेटा बहुत इजी है, ऐसे ही एक 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 क्वेश्चन तुम लोगों को आराम से बैठ के करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, किसी को कुछ बार बार अगर डाउट हो रहा होगा या फिर कुछ भी तकलीफ हो रहा होगा करने में, सॉल्यूशन करने में, तो बेटा कभी भी टेंशन मत लो, तुम लोग हमको डायरेक्टली कॉल करो या फिर मैसेज करो, मैसेज में हम लोग तुमको क्लियर करा देंगे। ठीक है, या फिर तुमको वीडियो कॉल के थ्रू भी हम बता सकते हैं डाउट, लेकिन बस तुम लोग को पूछना पड़ेगा। अगर जब तक तुम नहीं पूछोगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे उसका डाउट क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ रहे हो ना। इसलिए काइंडली थोड़ा अपने तरफ से भी कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो हम लोग है भाई, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठो, हम लोगों को कॉल या फिर मैसेज करो। लेकिन ज्यादा बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे, मैं देख रहा हूँ सबके सब बढ़िया है, सिर्फ यही क्या दो बच्चे जो रह गए हैं वही डाउट पूछ रहे हैं, ज्यादा बच्चे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। मतलब क्यों नहीं पूछ रहे हो यार, डर के नहीं पूछ रहे हो या फिर सब कुछ तुमको आता है बोल के नहीं पूछ रहे हो, रीजन क्या है मुझे पता चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि सबको शायद आ रहा होगा क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोगों को किया जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आई होप कैसा सही हो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 20 - 3 - 7 - 2 + 4 - 3 ब्रैकेट एंड हो रहा है यहां पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात तुमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से देख देख कर तुम लोगों को बस लिखते हुए जाना है, किसी को भी घबराना नहीं कहीं पे भी। ठीक है ना, आराम से बैठकर सॉल्व करते हुए जाना है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, जिसको जिसको आता है वो अपने आप चलो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बस ये दो नंबर का है 4 - 3 का, तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 - 3 - 7 - ये कर्ली ब्रैकेट जिस जिसका नहीं हो रहा है वो कुछ भी सिंबल डाल सकते हो, 2 प्लस ये हो गया 4 - 3 बेटा, देख बाकी सब मैंने जैसा क्वेश्चन में था वैसा लिख दिया, बस रह गया 4 - 3। 4 - 3 का वैल्यू कितना आता है बेटा, 1 आता है ना, तो मैंने लिख दिया 1।
मैंने ब्रैकेट को अभी एंड कर दिया। देखो मैंने और राउंड ब्रैकेट नहीं डाला, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो था वो तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो मुझे और डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस, देखो इतना तक मैंने जो था वो लिख दिया, लेकिन अभी मुझे इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। 2 प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है बेटा? ना होता है 3, तो तुम लोग लिख दोगे 3। फिर देखो 20 माइनस 3 माइनस, यहां तक मेरा जितना था मैंने लिख दिया, अभी मेरा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट का वैल्यू निकाल दो। 7 माइनस 3 है ना, उसके अंदर देखो, अगर 7 माइनस 3 है, 7 माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा ना। 20 माइनस 3 आता है 17, बाकी बच जाता है माइनस 4। 17 माइनस 4 आंसर होता है 13। तो ये हो गया तुम लोगों का फाइनल आंसर 13। ठीक है बेटा, चलो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सबको, सब लोग जल्दी जल्दी इसको लिख दो, लिखने के बाद थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने तुम लोगों को कुछ बोला था घर में क्या कर रहे हो क्या नहीं, हम लोगों को कमेंट के थ्रू बताओ, हम लोगों को मैसेज करो या फिर यूट्यूब के लिंक्स भेजो, क्या कोई कर रहा है क्या नहीं, कुछ डे टू डे एक्टिविटीज। देखो तुम लोग अगर घर में बैठे हो तो बोर हो रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या फिर कुकिंग हो, अपना हॉबीज़ जो बुक्स का कलेक्ट करके, जो पेपर को कलेक्ट करके तुम लोग लिखते हो, वर्ड्स हो डिक्शनरी से निकाल के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस करना, कई बच्चों के कई तरह के हॉबीज़ होते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग हमको सब सारे के सारे बच्चे ये जो हॉबीज़ है ये हॉबीज़ को हम लोग के साथ शेयर करें। तुम लोग ग्रुप में भेज सकते हो, सर आज हमने ये किया आज हमने वो किया, तो उसमें थोड़ा खुशी मिलता है यार हम लोगों को। ठीक है, लिख दिया, आई होप कि सबका खत्म हो गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो आज का फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 15 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 5, यहां पर ब्रैकेट एंड होता है। ठीक है, चलो ये भी देखो एग्जैक्ट वही जैसे उससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, आराम से चलो देखते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, राउंड ब्रैकेट को देखना, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को देखो, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन जैसा है, 15 प्लस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है 4 प्लस ये 16 माइनस 5, इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? तुम लोग साइड में कर सकते हो, देखोगे 11 आएगा। फिर हमारा स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अभी बारी है कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। अभी देखो 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 18 माइनस, अभी फिर से देखो और राउंड ब्रैकेट नहीं है, तो अभी हमको कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 प्लस 11, बेटा तुम लोग सॉल्व करोगे तो देखोगे आंसर आएगा 15, 11 प्लस 4 आंसर आएगा 15। अभी डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट, देखो अभी 15 प्लस ये 18 माइनस 15, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? आंसर आएगा 3। तो 15 प्लस 3 फाइनल आंसर आ रहा है 18। देख रहे हो कितना इजी है, बहुत इजी है यार। चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको, चलो बेटा लेट नहीं। ठीक है, मिटा रहा हूं, जो जो नहीं किए होंगे वो काइंडली वीडियो को पॉज करके लिख दें, और बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी ब्रैकेट का है, तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वर्कशीट 9 का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार बच्चों का एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसीलिए तुम लोग देख लो ध्यान से, डिफिकल्ट नहीं है भाई, इजी है, इसलिए आराम से देख लो। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, 22 माइनस
वन बाई फोर, बाप रे तुम लोगों सर वन बाई फोर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, देखो 16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 यहां पे एंड हो गया ब्रैकेट। देखो बेटा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरा स्टाइल को देखो फिर तुम लोग करो। पहले मैंने 22 लिख दिया, फिर माइनस था माइनस लिखा, फिर 1 बाय 4 था 1 बाय 4 लिखा। अभी मेरा कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गया, 16 था ब्रैकेट में माइनस। अभी देखो मैं जब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, मैंने क्या बोला था पहले डिवीजन 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 2 आया ना, तो मैंने लिख दिया 2। और भी एक चीज रह गया है बीच में, वो है प्लस 2, तो मैंने इन दोनों का 8 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आ गया 2, फिर प्लस 2 मैंने लिख दिया। मेरा अभी तक वो ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, उसका और एक भी सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है 2 प्लस 2। नेक्स्ट देखो 22 माइनस 1 बाय 4 मैंने शुरू कर दिया अपना कर्ली ब्रैकेट, 16 माइनस ये 2 प्लस 2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ना आंसर आएगा 4। अभी देखो मैंने जब कर दिया इसको 2 प्लस 2 का वैल्यू 4 निकाल दिया, अभी मुझे और राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू मैंने लिख दिया है। अभी मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, फिर देखो 22 माइनस 1 बाय 4 ध्यान से सुनो बेटा, ये 16 माइनस 4 इसका आंसर क्या आएगा ना 12 आएगा, तो तुम लोग इधर खाली जब 12 लिख दोगे तो इसका तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बोलो तो? तुम लोगों को पता है ना दो नंबर के बीच में से एक साइन होना चाहिए, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो या फिर एडिशन हो, कुछ भी हो ऐसा होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे सर इधर 1 बाई 4 है उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट देखिए 16 माइनस 4 लिखा हुआ है। हम लोग जब कर रहे थे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, उधर भी ऐसे ही था, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था, ब्रैकेट से पहले एक प्लस या फिर एक माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बेटा अगर उसका मतलब सुनो, ये जो ऑफ ब्रैकेट उसका एक्चुअल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ नहीं है तो तुम लोग एक मल्टीप्लाई का साइन डाल दोगे, ठीक है। अभी याद करो हम लोगों ने फिफ्थ क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, अगर ये है 1 बाई 4 तो और ये 12 है, तो मैं खाली 12 को 12 बाई 1 करके लिख सकता हूँ, हाँ या ना? फिर नीचे को ऊपर ऐसे कट कर सकता हूँ, कैसे कट करूंगा ना, ये दोनों कौन से टेबल में जाएगा मुझे देखना पड़ेगा। ये देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 दोनों तो 3 टेबल में जा रहा है, तो अभी लिख दो 22 माइनस 1 इंटू 3 वैल्यू कितना होगा बेटा 3 बाई 1 इंटू 1 वैल्यू होगा 1। तो देखो बेटा ये 3 बाई 1 है, मैं उसको 3 बाई 1 ना लिख के सिर्फ 3 भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया 22 माइनस 3 आंसर कितना रहेगा 19। देख रहे हो कितना इजी है, आराम से बैठ कर देखो फिर सॉल्व कर। कंप्लीटेड, सबका हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवेंथ वाला क्वेश्चन, जो लोग नहीं लिखे थे वो लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक ले लो, पॉज करके देख के लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिर्फ 18 ऐसे सब दिया हुआ है, देखो डाउट में मत पढ़ना। 18 माइनस 18 फिर ये हो गया तुम लोग का क्वेश्चन, 18 माइनस ठीक है। देखो कैसे करूंगा, पहले मुझे सॉल्व करना है अपना राउंड ब्रैकेट, तो लिख दिया 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 18 माइनस, यहाँ पे लिख दिया मैंने 18 माइनस, ये 18 माइनस 18 बेटा देखो इसका वैल्यू कितना होगा रे, ना होगा 0, हाँ है ना, 18 माइनस 18 का वैल्यू 0, राउंड ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, मैंने इन दोनों को सॉल्व करके 0 लिख दिया, मेरा बाकी क्या रह गया अभी देखो माइनस 18 रह गया। अभी कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर देखो 18 माइनस यहाँ पे है 18 फिर माइनस, अभी इनको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो अभी इस सबको सॉल्व करना,
18 माइनस 0 वैल्यू आएगा 18, फिर 18 माइनस 18 वैल्यू आएगा 0। तो मैंने ये पूरे को सॉल्व करके, चलो स्टेप वाइज करते हैं, बता जल्दी जल्दी हड़बड़ी नहीं, 18 माइनस 0 मैं लिख रहा हूँ 18, एक एक स्टेप करते हैं, फिर और एक माइनस 18 है ना, मैंने 18 माइनस 0 की वैल्यू को 18 लिखा हुआ है, फिर और एक माइनस 18 है। अभी देखो 18 माइनस ये 18 माइनस 18 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 0 आएगा ना, फिर 18 माइनस, फिर से देखो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रह गया, 18 माइनस 0 वैल्यू आएगा 18, ठीक है, ठीक है, कंप्लीटेड। एक और लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा है 8th नंबर वाला, मैं चाहता हूं सब लोग घर में बैठ कर उसको सॉल्व करें, फिर एक ट्विस्ट देखना पड़ेगा तुम लोगों को, जो जो नहीं लिखे पहले ये वाला लिख दो जल्दी, इसको कंप्लीट करो, जो जो नहीं लिखे जल्दी कंप्लीट करो, ये पूरे 7th नंबर को मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने चालाक हो। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ना बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का शायद किसी किसी के बुक में प्रिंट मिस्टेक हो गया है, आंसर गलत दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ तुम लोग सब अपने आप बैठ के करो, उसका करेक्ट आंसर निकालो, ठीक इसी तरह का टाइप है, वो भी कुछ अलग टाइप नहीं है, आराम से बैठ के करो, सॉल्व करो, उसके बाद मुझे सोल्यूशन भेजो, मैं देखूंगा कि किस किस का सही है किस किस का गलत है, ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन क्या क्या करता है, मज़ा आएगा। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आवर लवेबल पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आई एम प्रिविलेज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वीडियो, बहुत खुशी आ रहा है, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पैंडमिक के सिचुएशन में जिस तरह क्राइसिस चल रहा है आजकल बाहर, बहुत दुख भी लग रहा है, कुछ न्यूज़ सुन के तो आग से पानी भी आ जाता है, तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे कोई स्टूडेंट सफ़र हो, इसीलिए कोई भी बाहर मत निकलो, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी निकलो, वी नीड टू यूनाइट टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, पूरा यूनाइट होकर रहना है, घर में रुको, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मास्क पहन के जाओ, हैंड वॉश प्रॉपरली करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, चलो बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।